नमस्कार, आप देख रहे हैं जियोफी न्यूज। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने अब समझौता एक्सप्रेस रोक दी है, यह जानकारी पाकिस्तान मीडिया के हवाले से आ रही है। इसमें पहले पाकिस्तान ने अपना राजनीतिक संबंधों में कमी कर दी है, जिसके कारण पाकिस्तान में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला संदेश होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री के संबोधन में यह जानकारी दी गई है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न, वो आवाज़ जिस पर आज भी हुम हुम करता है दिल। भूपेन हजारिका असम से आने वाले गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने कला के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने असम की संस्कृति को कला के जरिए व्यापक पैमाने पर पहुंचाया। संगीतकार, गायक, एक्टर और फिल्म निर्माता के रूप में वे सक्रिय रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी के चलते उसने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को भी सस्पेंड करने का फैसला किया है। अब पाकिस्तान न तो भारत से कोई सामान खरीदेगा और न भारत को कोई सामान बेचेगा, लेकिन पाकिस्तान का यह दाव अब उसी पर उल्टा पड़ रहा है। अप्रैल माह में अब तक ऑटो सेक्टर में करीबन 3.5 लाख लोगों को नौकरियां जा चुकी है। इसे देखते हुए ऑटो सेक्टर के दिग्गजों ने GST में कटौती करते हुए कई तरह के प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग की है। विजय माल्या ने फिर लगाई गुहार, बैंकों का पूरा कर्ज चुकाने को तैयार। बैंकों के करीबन 9,000 करोड़ रुपए के लोन न चुकाने, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ब्रिटेन में मुकदमे का सामना कर रहे विजय माल्या ने ट्वीट करके यह ऑफर की जानकारी दी है। विजय माल्या एक बार पहले भी ऐसी पेशकश कर चुका है। व्हाट्सएप में आ सकता है इंस्टाग्राम वाला फीचर। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम जैसा एक फीचर लाने की तैयारी कर रहा है और यह जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो संसद में लद्दाख के सांसद जमयान शेरिंग ने दमदार भाषण दिया और बिल का विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी। पाक के F-16 को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन को मिल सकता है वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र के बाद वीर चक्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। युद्ध के क्षेत्र में अदम्य साहस का परिचय देने वाले इस पद से सम्मानित किया जाता है। अनुच्छेद 370 की हटाए जाने के बाद पाकिस्तान व्यापारिक और राजनीतिक संबंध तोड़ने के बाद अब आतंकियों को भड़का रहा है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कुख्यात बैड टीम और आतंकवादियों को करो या मरो का निर्देश दिया गया है। इस जानकारी के बाद देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन्हें दोबारा दिल्ली भेज दिया है। घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनियां भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड ने रिवाइवल के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। रिवाइवल के प्लान के तहत MTNL और BSNL के कर्मचारियों की संख्या घटा करके आधी की जाएगी। इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बीच सहमति बन गई है और GOM ने इस प्लान को हरी झंडी दे दी है।